धनतेरस के व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन झाड़ू चांदी सोना आदि खरीदने की परंपरा क्यों है और धनतेरस कब मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की तरह भगवान धन्वंतरी भी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी के हाथ में कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन लोग बर्तन के साथ साथ सोना चांदी आदि खरीदते हैं। ये सामान खरीदना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन खरीदे गए सामान में 13 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है, इसीलिए लोग बर्तन चांदी सोना खरीदते हैं। ना ही नहीं, इस दिन लोग चांदी के लक्ष्मी गणेश आदि भी घर लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे ये सामान खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस से ही घर में दिया जलाने की शुरुआत हो जाती है। इस दिन घर के दक्षिण दिशा में दिया जलाना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि एक बार यमराज ने उन्होंने प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का क्या उपाय है, तो उन्होंने बताया कि धनतेरस के दिन जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर दिया जला कर रखेगा उसे जीवन भर अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं सताएगा, और इसी कारण बस लोग धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दिया जरूर जलाते हैं। इस यम की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिन यम पूजा का भी विधान है। फ्रेंड्स, धनतेरस की कथा अच्छी लगी तो लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स यहाँ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।